मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहना है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं इसी तरह से भी देखते रहेंगे। मेरे वीडियो आप लास्ट तक अंत तक देखिए, मैं दोस्तों के साथ उपाय भी बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई जो परेशानियां हैं जीवन में, उन्हीं से संबंधित मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाता हूं, ताकि जिसकी कुंडली है उसका भी मार्गदर्शन हो और आप लोगों का भी मार्गदर्शन हो। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, घर घर की कहानी और दाम्पत्य जीवन में परेशानी। ऐसा कोई घर नहीं देखा होगा जिसमें कुछ ना कुछ छोटी बहुत नोकझोंक हो और उसको लेकर के हम चलते ही रहते हैं। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिसमें नहीं होती, लेकिन साधारण तौर पर ऐसा ही होता है। कहीं पुरुष में गलती निकाली जाती है तो कहीं स्त्री में गलती निकाली जाती है। आज हम बात करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर, जिसका कि जन्म 82 का है। उसने हमारा वीडियो देखा तो बोला, गुरुजी हमारा भी कुछ मार्गदर्शन करो, जब से मैं आई हूं, जब से मैं इसी तरह से दाम्पत्य सुख में परेशानी के अलावा जीनू और मधुरता की कोई एक भी घड़ी मुझे नहीं दिखाई दी है। तो दर्शकों, बात करते हैं क्या कहती है जातिका की कुंडली। आज का जीवन साथी का मिजाज नरम गरम, जिसकी कुंडली है उसके जीवन साथी का भी मिजाज नरम गरम है, और वो खुद जो जातिका है, खुद जो स्त्री है, उसकी भी बुद्धि भ्रमित है। तो ये तो विधाता जोड़ी बनाता है, वो इसी तरह से बनाता है। तो देखो आज का वीडियो और फिर हम इसमें उपाय भी बताएंगे। और आपको भी कोई परेशानी है तो आप भेजिए, कमेंट्स में भेजिए, मैं आपका भी मार्गदर्शन करके, आपका भी वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, भाई एक दो प्रॉब्लम का वीडियो बन सकता है, क्यों 15-20 मिनट का वीडियो होता है, उससे ज्यादा संभव नहीं होता है। और आप लिखिए बेझिझक होकर के, मैं आपका मार्गदर्शन करने की शास्त्रों के हिसाब से और अपने ज्ञान से मैं पूरी कोशिश करूंगा। दर्शकों, ये कुंडली का खाका है। लगन और लग्नेश स्वयं के प्रतिनिधि होते हैं। ये चार केंद्र है, 1, 2, 3, 4 केंद्र है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, और ये दो त्रिकोण है। ये स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन, पानी और कुटुंब भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, आदि का भाव। पंचम भाव शिक्षा संतान। छठा भाव रोग शत्रु। सप्तम भाव व्यवसाय का भी है और जीवन साथी का भी है। अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट। नवम भाव त्रिकोण भाव, भाग्य का भाव भी है, धर्म का भाव भी है। और यह हमारा भाव संचित कर्मों का है, पूर्व जन्म के कर्मों का। पंचम भाव वो भाव है जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई उन कर्मों के आधार पर बनता है। दशम भाव व्यवसाय का भाव है, सम्मान का भाव है, किसी भी प्रकार का सम्मान दस भाव से मिलेगा, और पिता के सुख का भाव। एकादश भाव आमदनी, और द्वादश भाव खर्च और सेवा सुख का भाव है। सप्तम भाव और द्वादश भाव दोनों भोग के भाव हैं। सप्तम भाव से जीवन साथी का होना और द्वादश भाव में जीवन साथी के साथ सेवा सुख, भाई जीवन साथी है तो सेवा सुख भी होना आवश्यक है, नहीं है तो घर में नोक झोंक ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें विचार में आएंगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी है। जातिका का जन्म 2 अक्टूबर 1982 पूर्णिमा को हुआ, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लग्न उदय हुआ, तुला लग्न के 17 डिग्री राजमान है, लग्न में गुरु 18 डिग्री लेकर के बलवान है। द्वितीय भाव में मंगल है 14 डिग्री लेकर के बराबर है। तीर्थ भाव में केतु 15 डिग्री और छठे भाव में चंद्रमा 3 डिग्री 43 मिनट लेकर विराजमान है। नवम भाव में राहु मिथुन राशि में 15 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र 6 डिग्री लेकर के नीच राशि में है, अस्त है। सूर्य 14 डिग्री लेकर के कन्या राशि में है। बुध 15 डिग्री लेकर के अपनी उच्च राशि में है। शनि 29 डिग्री लेकर के विश्व राशि में,
तीनों अस्त हैं और बुध का नीचत्व, शुक्र का नीचत्व अपने आप में खत्म हो जाता है क्योंकि बुध उच्च राशि में है और शुक्र त्रिकोणेश के साथ में है, तो नीचत्व की तो बात नहीं रही। लेकिन लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में है और अस्त है। मैं हमेशा बताता हूं कि शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र ग्रह लक्ष्मी है, शुक्र माता है, बहन है, और शुक्र जिसका बिगड़ जाता है उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात आ जाती है, और जिसका शुक्र बलवान है उसके तो बहुत ही अच्छा, उसको दाम्पत्य सुख, भौतिक सुख, मोटर गाड़ी सभी कुछ मिल जाता है। तो शुक्र जिसका बलवान है मैं उनको भाग्यशाली समझूंगा। यहां पर दो दिक्कतें आ गई है, एक तो शुक्र द्वादश भाव में अस्त हो गया, वरना शुक्र द्वादश भाव में खुश होता है, उसको द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, लेकिन शुक्र लग्नेश है ये सारी परेशानी आ गई। तुला लग्न में कोई भी जातक जो जन्म लेता है क्योंकि तो तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, तुला लग्न वाले उनका शरीर सुगठित होता है, सुंदर होते हैं। उनमें एक और खास बात होती है, किसी भी विषय के विषय वो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और उनका निर्णय सही होता है। दूसरा, वो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं कैसी भी परिस्थिति हो। ऐसे जातक साधन विहीन होने के बाद, उनके पास साधन भी नहीं है लेकिन फिर भी लक्ष्य उनके हमेशा ऊंचे होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। तुला का सिंबल तराजू है, वो न्याय प्रिय भी हैं, न्याय प्रिय है और अनुशासन प्रिय है, परोपकार की भावना कूट कूट करके भरी होती है, परंतु अपनी लाभ हानि का हमेशा ख्याल रखते हैं। गरीबों को भोजन देने वाले, पुण्य आत्मा कहा जा सकता है इनको, सत्यवादी होते हैं, अधिक आयु में भी वो जवान दिखाई देते हैं जिनका कि शुक्र बलवान होता है। शुक्र द्वादश भाव में है, शुक्र लग्नेश है, दोनों ही चीज सोचो, लग्नेश है शुक्र, द्वादश भाव में है। शुक्र के लिए द्वादश भाव में होना कोई पितृदोष नहीं माना गया लेकिन अस्त हो गया। अगर आपका कोई लग्नेश यहां पर है तो वो पितृदोष आ जाता है, शुभ होता है शुभ, लेकिन अस्त हो गया ये गड़बड़ वाली बात हो गई। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शको एकादश भाव का स्वामी है, आमदनी का भाव है और खर्च के भाव में है। जितना जो जातक कमाएगा उससे ज्यादा खर्च करने, कमाने वाला भी वही, खर्च करने वाला भी, साधन तौर पैसा सोचो कि ऐसे जातक का खर्च अधिक हो जाता है और हमेशा आर्थिक स्थिति अभाव में रहती है, मानसिक तनाव होते थे, मित्र लोग उसको धोखा देते हैं और राज प्रकार किसी प्रकार का दंड का योग भी बनता है, क्योंकि द्वादश भाव दंड और कारागार का भाव है, मुकदमे का भी भाव है। परंतु ऐसा जातक विख्यात होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है ऐसे जातक की। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों चंद्रमा दशम भाव का स्वामी और छठे भाव में है। ऐसे जातक को जल से संबंधित कोई रोग हो आशंकाएं रहती हैं, शत्रु से काम निकालने में प्रवीण होता है, या ये कहो शत्रु उसके दुर्बल होते हैं, नेत्र रोग हो सकता है, पिता का सुख और व्यवसाय के सुख में दिक्कत आती है और परेशानी होती है, क्यों, व्यवसाय का भाव है। बात करें मंगल की। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। यहां पर उस जातिका को एक क्रेडिट पॉइंट मिला हुआ है कि उसका जीवन साथी द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब में रहने के बाद थोड़ी सी बंदिश हो जाती है, इसको बंधन का भी भाव कहा जाता है। क्यों, जब हम कुटुंब में रहते हैं तो हमको सबकी बात सुननी पड़ती है, तो कुटुंब का भाव है, वो बात अलग है। और जीवन साथी से अष्टम है, उसका जीवन साथी थोड़ा बीमार शिमार रहेगा और विचित्र परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है। जीवन साथी का मिजाज भी नरम गरम होगा, कभी नरम हो जाएगा कभी गरम हो जाएगा, क्यों, अपने भाव से अष्टम स्थान पर है, उसका मिजाज भी नरम गरम होगा और वो मिजाज उसका जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानी की बात करता है। किसी प्रकार का उसमें ऐसा वो नहीं होगा, लेकिन कैसे भी सोचो चतुर्दृष्टि से मंगल देख रहा है, शिक्षा शत्रु की राशि है,
शिक्षा संतान में कई बार दिक्कत आएगी और कई बार विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। जीवन सामान्य भागी कुछ रह करके रह जाता है, सामान्य ही जीवन रह जाता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से यहां देख रहा है और नौ दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण देगा। ऐसे जातक का जीवन सामान्य स्तर का रह जाता है, सामान्य वृद्धि भी करता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध दश को भाग्य का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में अस्त हो गया। सूर्य से एक ही डिग्री है, ये कह लो कोई प्रभाव नहीं है, भाग्य अस्त हो गया, भाग्य अस्त हो गया। अस्त नहीं होता तो भी उच्च राशि में होता तो वह अपना दाम्पत्य उसको सहवास सुख देता, लेकिन अस्त हो गया, द्वादश भाव का स्वामी अपने भाव में अस्त हो गया। गुरु दर्शको, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी लगन में है। जातक के शरीर और पुरुषार्थ में वृद्धि आएगी, पराक्रमी होगा, तो पराक्रम का भाव उसमें जोशी जोशी लाएगा, उसमें हिम्मत होगी और प्रतिष्ठा प्राप्ति भी होगी। भाई बहन के सुख में कमी हो सकती है। सप्तम पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान विद्या के क्षेत्र में फिर भी अच्छा होगा, तकलीफों के बाद थोड़ा सा ठीक रहेगा। जीवन साथी छठा भाव का स्वामी है, छठा भाव जीवन साथी के भाव से द्वादश है, उसके अच्छा होगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के पक्ष में अच्छा होगा। ऐसा जातक जीवन साथी के पक्ष में अच्छा होगा और नवम दृष्टि से भाग्य की कुछ ना कुछ उन्नति करेगा। गुरु जब यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है और लग्नेश की स्थिति यहां मंगल की इस किस्म की हो गई है, तो वो कुछ भी हो लड़ते झगड़ते अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी अशुभ स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही पहुंचेंगे और पहुंचना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, तुला लग्न के लिए कारक ग्रह है। कारक ग्रह शनि द्वादश भाव में जाकर के अस्त हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, खर्चा अधिक हो गया, खर्चा अधिक हो गया, अस्त हो गया, तीती दृष्टि से खर्चा हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी बाहर चला गया तो सुख की आशा नहीं। सप्तम दृष्टि से यहां पर छठे भाव में है तो शत्रुओं पर भावी रहेगा, और दशम दृष्टि से नव भाव को देख रहा भाग्य की उन्नति करेगा, लेकिन शनि वृद्ध अवस्था में अस्त हो गया। उन्नति जब करेगा जब वो जागृत होगा, अभी तो अस्त है और वृद्ध अवस्था में है। बात करें राहु की। राहु नव भाव में है, मिथुन राशि में है, भाग्य की विशेष वृद्धि होगी, धर्म का पालन भी करेगा, कभी कभी भाग्य की उन्नति में बाधाएं भी आ सकती हैं परंतु सफलता प्राप्त करेगा। पंचम दृष्टि से राहु लगन भाव को देख रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, पराक्रम भाव को देख रहा पराक्रमी होगा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। बात करें केतु की। केतु तृतीय भाव में पराक्रमी तो होगा, भाग्य में त्रुटिपूर्ण सफलता देगा। पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है केतु, सप्तम भाव को देख रहा है और जीवन साथी का स्वास्थ्य यहां पर कमजोर हो रहा है। इधर जीवन साथी अपने भाव से अष्टम भाव में है, यहां पर केतु कमजोर दे रहा पर गुरु रक्षा दे रहा है, रक्षा कर रहा है, क्यों गुरु यहां पर सप्तम दृष्टि से देख रहा है। नवम दृष्टि से केतु आमदनी के भाव को देख रहा है, अस्थिरता होगी। ये ग्रहों का सामान्य प्रभाव बताया। अभी केतु की महादशा चल रही है 13-3-18 से और 17-3-25 तक केतु की महादशा रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। दर्शको शनि यहां पर बुद्धि का देवता है, पंचम भाव बुद्धि का, द्वादश भाव में चला गया। जातिका की बुद्धि भ्रमित है, भ्रमित है, और उधर जीवन साथी का ग्रह अपने स्थान से अष्टम में चला गया, उसका स्वभाव नरम गरम रहेगा, मधुरता नहीं रहेगी। तो यही दो कारण है अब जो इसमें ऐसा है, लग्नेश शुक्र अस्त और कारक ग्रह अस्त, लग्नेश शुक्र अस्त हो गया और कारक ग्रह अस्त हो गया,
पंचम और चतुर्थ भाव का कारक है अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया और द्वादश भाव पीड़ित हो गया। दर्शकों, शादी कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, शादी होना एक अलग चीज है और दाम्पत्य सुख मिलना एक अलग चीज है। शादी के बाद नोक झोंक तो चलती रहती है, गर्म भी चलते रहते हैं और मति भी भ्रम हो से, लेकिन ये द्वादश भाव ठीक होना चाहिए ताकि सहवास सुख मिले। बिना सहवास सुख के शादी का बंधन कोई नहीं होता। लेकिन जैसा भी है, गुरु और मंगल की स्थिति ऐसी है, उन्होंने नोक झोंक से पकड़ी, मेरा वीडियो देखा तो सोचा चलो गुरु जी से बात करते हैं, अब हमारे भी जीवन में कुछ मधुरता की लहर आ जाए, और बिल्कुल आएगी। दर्शकों, अभी मैं उपाय बताता हूं, बिल्कुल आएगी, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें खास बात भी हैं। कुछ चीजें खास बात ऐसी हैं कि राहु इनके फेवर में है, तुला लग्न है और मिथुन राशि में है, सूर्य पीड़ित नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, ये सब कोई पीड़ित नहीं है, सिर्फ ग्रहों की स्थिति अव्यवस्थित है। अगर हम उनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दे तो हो जाएगी। कार्तिका लगन का रत्न धारण करें और शुक्र के रत्न में रत्न जड़ करके उसकी रोजाना पूजा करें। पंचमेश शनि है, शनि का भी रत्न धारण करें लगन में और बुध का भी रत्न धारण करें। अगर ये जातिका सिर्फ दो ही काम कर लेगी, फालतू कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, भाग्यवती लाकेट शुक्र शनि और बुध का गले में धारण करें, गले में धारण करें। दूसरा, सूर्य को नियमित जल दे, कुछ ही दिन में देखो इसकी जो आपस में कटुता है वो मधुरता में बदल जाएगी, अवश्य बदल जाएगी, क्योंकि थोड़े से अव्यवस्थित हैं और वो अगर हम लगन में उनको धारण करेंगे तो यहां पर शनि उच्च का हो जाएगा, शुक्र भी होगा तो सप्तम भाव को देखेगा, अपने उसको देखेगा और भाग्य भी बलवान हो जाएगा, सारी स्थिति जातिका का भाग्य एकदम परिवर्तित हो जाएगा और दोनों में पति पत्नी में मधुरता का वातावरण बन जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इसमें खास बड़ी बात यह है कि कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, कोई ऐसा अशुभ योग नहीं बन रहा है। अस्त हो गए हैं, अस्त हो गए हैं तो जातिका के ऊपर है उनको जागृत करना। अगर सूर्य को जल देगी अस्त हो जाएगा, बुध भी जो है ना अपना फल देने पड़ेगा और उच्च राशि में उसको अच्छा सहवास सुख मिलने लगेगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, मैंने आज इस जातिका का जिसका कि प्रश्न आया क्या मेरे जीवन में भी आएगी, सिर्फ थोड़ा सा व्यवस्थित करने वाली बात है इस कुंडली में, क्यों ग्रह इधर उधर चले गए हैं तो व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक होगा और उनका भी दाम्पत्य जीवन मधुरता की तरफ अग्रसर होगा, वो भी सुखी जीवन जी सकेंगे। दर्शकों, हमेशा कहता हूं आपका भी कोई ऐसा अगर कोई दिक्कत है आप लिखिए, बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपका भी मार्गदर्शन बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और उससे इन छोटी छोटी चीजों में जिसको हम कर सकते हैं, ये होने वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा सा है तो होने वाली बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, होते हुए देखा है। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करना, शेयर करना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है, इसमें कालसर्प दोष तो है क्योंकि चंद्रमा ही बाहर है, कालसर्प दोष का निवारण करना चाहिए उनको, कालसर्प दोष की पूजा की जाती है, जो इच्छु के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राहशांत करने के लिए भेजता है, जरूरत है आपको संपर्क करने के लिए। ऋषि ज्योतिष आपकी जो समस्याएं आ रही हैं दैनिक जीवन में, आपकी जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उन प्रॉब्लमों को दीजिए मुझे, मैं उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, शास्त्रों के अनुसार करूंगा और अपने ज्ञान की जो मैंने सीखा है उसके आधार पर करूंगा और आपका कुछ ना कुछ अवश्य फायदा होगा। मैं फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों मेरा चैनल तो नया है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपके पास मिल जाती है और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो जाता है कि दर्शकों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट्स लिखना, वही मेरा ज्ञानवृद्धि का साधन है। तो आप बने रहिए चैनल के ऊपर, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।